Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. और बात चल रही है एमए थर्ड सेमेस्टर के कोर्स की और उसमें ये लास्ट यूनिट है ह्यूमन राइट्स एजुकेशन जिस पर आज बात की जाएगी आपसे और इसी क्रम में आगे और बात होगी राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन, राइट्स ऑफ वेमेन. तो ह्यूमन राइट्स एजुकेशन पर आज बात करनी है आपसे एंड दिस लेक्चर विल बी यूजफुल फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव टीचिंग एग्जामिनेशंस एज वेल एज फॉर योर जनरल अवेयरनेस अबाउट ह्यूमन, है ना. तो शुरू करते हैं. ह्यूमन राइट्स, देखिए मानवाधिकार, मानव अधिकार, है ना. आप बहुत सुनते होंगे न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स पे, मीडिया में कि कुछ भी होता है, कहीं कुछ गलत होता है तो मानवाधिकारों की बात होती है. अभी हमास और फिलिस्तीन इजराइल वाला जो युद्ध चल रहा है उसमें भी आप देखिएगा कि मानवाधिकारों की बात की जा रही है कि मानवाधिकारों का हनन हो रहा है. कई बार इसका गलत भी इंटरप्रिटेशन लेके गलत इस्तेमाल भी करते हैं पर बेसिक इसका कंसेप्ट बहुत सही है. क्या है ये कि मानव के अधिकार, है ना, या मानव का अधिकार. जैसे समझिए, कह रहे हैं कि अ यूनिवर्सल कल्चर ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानवाधिकारों का एक सार्वभौमिक तरीके की का कल्चर होना चाहिए, संस्कृति होनी चाहिए. मतलब सार्वभौमिक से मतलब कि ऐसा नहीं है कि भारत के मनुष्यों का मानवाधिकार है, मानवों का मानवाधिकार उनके पास अधिकार है, कहीं और के देश के पास नहीं है. विश्व में कोई भी मानव हो वो चूंकि मानव है इसलिए उसके पास मानवाधिकार होगा. ये इसके पीछे की बेसिक फिलॉसफी है. रिक्वायर्स दैट पीपल एवरीवेयर मस्ट लर्न दिस कॉमन लैंग्वेज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड रियलाइज इट इन देयर डेली लाइफ. ये कह रहा है कि हर व्यक्ति को, सभी मनुष्यों को ये सीखना चाहिए कॉमन लैंग्वेज ऑफ ह्यूमैनिटी. मतलब आप किसी भी देश, ग्लोब के किसी भी हिस्से से आपका संबंध हो लेकिन आप चूंकि मनुष्य हैं तो जो मानवता की भाषा है वो आपको समझनी है और आपको अपनी डेली लाइफ में, रोज दिनचर्या में आपको उसको रियलाइज भी करना है. फिर प्रीएम्बल UDHR, देखिए आपने बहुत इसको सुना होगा अगर आप ह्यूमन राइट्स एजुकेशन के बारे में नहीं भी जानते हैं या ये आपने कभी ऐसे नहीं पढ़ा है तो बहुत बार ये कोट किया जाता है. UDHR क्या है? UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई, कब हुई थी? 1948 में. तो जिसका प्रीएम्बल था उसमें कहा गया कि एवरी इंडिविजुअल एंड एवरी ऑर्गन ऑफ सोसाइटी shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedom. वो कह रहे हैं कि ये जो सार्वभौमिक घोषणा हुई है मानवाधिकारों की 1948 में, वो कह रहे हैं प्रत्येक इंडिविजुअल, उस समाज का कोई भी अंग हो, वो प्रत्येक इंडिविजुअल हो, उसको ये सीखना चाहिए, उसको शिक्षण और शिक्षा के द्वारा वो ये सीखना चाहिए उसको कि कैसे उसको मानव के अधिकारों और मानव की स्वतंत्रता की रेस्पेक्ट को प्रमोट करना है. ह्यूमन राइट्स आर दोज राइट्स दैट बिलोंग टू एवरी इंडिविजुअल. ये उस तरीके के अधिकार हैं जो हर व्यक्ति से जिनका संबंध है, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, लड़की हो, लड़का हो, छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, वृद्ध हो, सब, बिकॉज शी और ही इज अ ह्यूमन बींग. इसके लिए आपको कोई विशेष आपके अंदर कैटेगरी नहीं होनी चाहिए, बस आप मनुष्य हैं इसलिए आपके पास मनुष्यों के लिए अधिकार जो सुरक्षित हैं वो मिलने चाहिए. ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल, जो मानव अधिकार होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं. दे आर द बर्थ राइट ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द ह्यूमन फैमिली. जो भी मनुष्य समाज में जिसने जन्म लिया है उसका ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि उसको मानव अधिकार मिले. नो वन हैज टू अर्न और डिजर्व ह्यूमन राइट्स. इसके लिए आपको कोई विशेष प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है कि हमें मिले. आप चूंकि मनुष्य हैं इसलिए आपको मनुष्यों के अधिकार, मानव के अधिकार दिए जाएंगे. इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, इसके लिए बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय नियम बनाए गए हैं और उसके बाद बहुत देशों ने बहुत अपना लोकल भी बहुत कुछ बनाया, बट ये जो इंटरनेशनल लॉ है इसी पे बेस्ड सारे ह्यूमन राइट्स के लॉ बने हैं. द फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स लॉ इज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, UDHR 1948, जिसकी बात की गई आपसे. ये सबसे पहले जब 1945 में आपका ये यूनाइटेड नेशंस बनाया, उसी के बाद 1948 में उसने UDHR बना दिया और फिर उसके बाद क्या बना, द इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स बना है ICCPR 1966 में एंड इट्स ऑप्शनल प्रोटोकॉल बना है इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स ICESCR 1966. ये भी है नोन कलेक्टिवली एज द इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स. तो 1948 में UDHR बनता है, फिर उसकी दो एक तरीके से कह सकते हैं सब शाखाएं हैं, उप शाखाएं हैं, जिसमें एक आपके सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की रक्षा की जाएगी, आपके इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स भी सुरक्षित रखे जाएंगे. तो सब अम्ब्रेला टर्म ह्यूमन राइट्स ही है. तो इन्हीं इंटरनेशनल लॉ पे बाकी सारा इसका हिसाब किताब बेस्ड है. ह्यूमन राइट्स के प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांतों पर मानवाधिकार निर्धारित है, आधारित है. सबसे पहला इक्वालिटी,
सभी इक्वल हैं, सभी समान हैं. द बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स इज दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स. इसका जो बेसिस है, जो इसका आधार है, जो इसका मूल है मानवाधिकारों का, वो कहता है कि सभी मनुष्य फ्री है, मतलब बॉर्न फ्री है, मतलब वो किसी के बंधक नहीं है, आप उनको गुलाम नहीं बना सकते हैं, और वो समान है अपने अधिकारों में और अपनी डिग्निटी में कि आप उनका सम्मान करें. यूनिवर्सैलिटी मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, यूनिवर्सल है. द यूनिवर्सल यूनिवर्सैलिटी ऑफ राइट्स डज मीन हाउएवर दैट दे कैनॉट चेंज, मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको बदल सकते हैं विषय काल परिस्थिति के अनुसार से, नहीं बदला नहीं जाएगा. दे आर एक्सपीरियंस इन द सेम मैनर बाई ऑल पीपल, वो सभी मनुष्यों के द्वारा सभी लोगों के द्वारा एक समान तरीके से अनुभव किए जाएंगे. नॉन डिस्क्रिमिनेशन यानी कि आप विभेद नहीं करेंगे. द यूडीएचआर एंड सबसिक्वेंट ह्यूमन राइट्स लॉ अफोर्ड द सेम राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इक्वली टू ऑल वुमेन एंड मेन, बॉयज एंड गर्ल्स, बाय वर्च्यू ऑफ देयर ह्यूमैनिटी एंड रिगार्डलेस ऑफ एनी रोल और रिलेशनशिप दे मे हैव. यानी कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आया, उसके बाद जो और ह्यूमन राइट्स के लॉ है, सभी कहते हैं कि सेम राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेगी सभी मनुष्यों को, औरतों को, आदमियों को, सभी को, लड़कों को, लड़कियों को. क्यों? क्योंकि वो मानव हैं. रिगार्डलेस इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन सी भूमिका और रिलेशनशिप निभा रहे हैं. इनडिविजिबिलिटी यानी कि आप इसको तोड़ तोड़ के नहीं दे सकते हैं. ह्यूमन राइट शुड बी एड्रेस्ड एज एन इनडिविजिबल बॉडी, यानी कि आप ह्यूमन हैं तो आपका सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट, सोशल राइट, इकोनॉमिक राइट, कल्चरल राइट, कलेक्टिवली ऑल राइट सभी आपको दिए जाएंगे. वन सेट ऑफ राइट्स कैन नॉट बी फुली एंजॉयड फुली विदाउट द अदर. फुली दो बार आ गया. वो कह रहे हैं कि एक सेट ऑफ अधिकार जो है आपका, राइट्स है, वो मिल उसका आप पूरी तरह आनंद ही नहीं उठा सकते जब तक आपको दूसरा ना मिले. मतलब आपको सिविल मिल रहा है, कल्चरल नहीं मिल रहा है, सोशल मिल रहा है, इकोनॉमिक नहीं मिल रहा है, तो कोई मतलब नहीं ना. इंडिविजिबल है, आप टोटैलिटी में आपको ह्यूमन राइट्स देना है. फिर ह्यूमन और क्या, इंटरडिपेंडेंस यानी एक दूसरे पर निर्भर करता है. ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स अपीयर इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, होम, स्कूल, वर्क प्लेस, कोर्ट्स एंड मार्केट्स एवरीवेयर. यानी हर जगह मिलेगा आपको, घर में, विद्यालय में, वर्क प्लेस पे, आपको कोर्ट में, बाजारों में, हर जगह. ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन आर इंटरकनेक्टेड. वो कह रहे हैं कि अगर आप इसको वॉयलेट करते हैं, इसको तोड़ते हैं, तो वो एक दूसरे से एक दूसरे पर जुड़ा हुआ है. जैसे एक तरीके के राइट का अगर हम हनन करते हैं तो दूसरे तरीके के राइट का भी हनन हो जाता है. यानी कि एक तरीके के अधिकारों में बाधा उत्पन्न होती है तो दूसरे में भी होती है. यानी कि आपको सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, आपसे पारस्परिक निर्भरता है. फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी कि हमको ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करने हैं. किसको? गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिविजुअल की खुद है कि उसको राइट हो, पता हो, उसको अवेयर हो अपने राइट्स के प्रति, और अदर रेस्पॉन्सिबल एंटिटीज की भी वो है क्या, भूमिका है. ह्यूमन राइट्स एजुकेशन. अब हम आते हैं मानवाधिकारों की शिक्षा पे. इतनी बात तो मानवाधिकारों के लिए कि मानवाधिकार क्या है, उनके प्रिंसिपल क्या है, यूनिवर्सल लॉ, इंटरनेशनल लॉ क्या है मानवाधिकारों के लिए. अब बात हो रही है मानवाधिकारों की शिक्षा, क्योंकि हमारा शिक्षा से लेना देना है. तो ह्यूमन राइट्स एजुकेशन इज ऑल लर्निंग, वो सभी तरीके का सीखना दैट डेवलप्स द नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स. जो हमको सिखाता है मानवाधिकारों के का ज्ञान देता है, मानवाधिकारों के लिए हमको कौशल सिखाता है और उनकी उनका मूल्य सिखाता है, वो तब सभी प्रकार का सीखना मानवाधिकारों की शिक्षा के अंतर्गत आता है. UDHR exhorts every individual and every organ of society to strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms. हमारा UDHR कहता है कि प्रत्येक individual को, ये बात पहले भी हो गई थी, और society के प्रत्येक अंग को टीचिंग और एजुकेशन के द्वारा मनुष्य के अधिकारों और स्वतंत्रता की रिस्पेक्ट करना सीखना होगा. आर्टिकल 30 ऑफ द यूडीएचआर डिक्लेयर्स, जो इसका 30 नंबर का आर्टिकल है, वो कहता है कि वन गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी, देखिए शिक्षा के बहुत सारे गोल्स होते हैं, बहुत सारे लक्ष्य होते हैं, तो एक लक्ष्य ये होना चाहिए कि द स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स. यानी कि मनुष्य के अधिकारों और उसका जो मूलभूत स्वतंत्रता उसको मिलनी चाहिए, उसका सुदृढ़ीकरण करना शिक्षा का एक लक्ष्य होना चाहिए. फिर जनरल असेंबली डिफाइंड ह्यूमन राइट्स एजुकेशन एज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. उसने डिफाइन किया है, कैसे डिफाइन किया है मानवाधिकारों की शिक्षा को, कि ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिससे कि पीपल यानी कि लोग एट ऑल लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के प्रत्येक स्तर पे एंड इन ऑल स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी के किसी भी स्ट्रेटा के वो हिस्से हों, उनको सीखना है रेस्पेक्ट करना, जिससे कि वो दूसरे के सम्मान की रक्षा कर सकें. एंड द मीन्स एंड मेथड्स ऑफ इंश्योरिंग दैट रिस्पेक्ट इन ऑल सोसाइटीज, और सभी समाजों में
उस रेस्पेक्ट के लिए मीन्स और मेथड्स मतलब साधन और साध्य बनना, ये सब सीखना, ये सब करना ह्यूमन राइट्स एजुकेशन के अंतर्गत आता है। मतलब मूल क्या है कि हर व्यक्ति के पास डिग्निटी है और उसकी डिग्निटी को मेंटेन किया जाना चाहिए, उसको रेस्पेक्ट दी जानी चाहिए, उसको राइट्स मिलने चाहिए बिकॉज ही और शी इज ह्यूमन। फिर कॉम्पोनेंट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, इसके अंदर घटक कौन कौन से हैं, तो जब UDHR ने 1948 में डिक्लेरेशन आया, उसके बाद 1995 से 2004 का दशक वो ह्यूमन राइट्स के लिए दशक ये डिक्लेयर कर दिया गया। आपको पता होगा ना कि डिकेड चलता है विमेन एजुकेशन के लिए, चाइल्ड एजुकेशन के लिए, उसी तरह से ह्यूमन राइट्स एजुकेशन का जो दशक था वो 1995 से 2004 था। दशक होने का क्या मतलब कि सभी जितने भी लोगों ने उस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, जितने देश हैं, सब उस दशक में उस पर्टिकुलर टास्क के लिए, कॉज के लिए विशेष प्रयत्न करेंगे। तो 1995 से 2004 के बीच में ह्यूमन राइट्स एजुकेशन पे बहुत काम किया गया। ये कहता है कि ह्यूमन राइट्स एजुकेशन शुड इन्वॉल्व मोर देन द प्रोविजंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड शुड कॉन्स्टिट्यूट ए कॉम्प्रिहेंसिव लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बाई विच पीपल एट ऑल लेवल्स इन डेवलपमेंट एंड इन ऑल स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी लर्न रिस्पेक्ट फॉर द डिग्निटी ऑफ अदर्स एंड द मीन्स एंड मेथड्स ऑफ एंश्योरिंग दैट रिस्पेक्ट इन ऑल सोसाइटीज। ये बात हो गई पहले भी। Thus, all learning that contributes to the knowledge, skills and values of human rights is part of human rights education. वो कह रहे हैं कि सभी प्रकार का सीखना, मतलब कॉम्पोनेंट में क्या सिखाया जाएगा ह्यूमन राइट्स एजुकेशन में, कि आपको ज्ञान दिया जाएगा, अवेयर किया जाएगा कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, उसके लिए आपको कौशल दिए जाएंगे कि आप उसको कैसे, मतलब आप उसको कैसे एक्चुअली कर सकते हैं, और उसके लिए आपको वैल्यूज की, आप उसको फील करेंगे तभी तो कर पाएंगे। Or the field of education where human rights values and principles are most consistently and fully taught is early childhood education. वो कह रहे हैं कि एकदम प्राथमिक से भी, एकदम पूर्व बाल्यावस्था में जो शिक्षा आप बच्चे को देते हैं उसी में आप उनको ह्यूमन राइट्स के बारे में सिखाइए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप इसको लेटर हायर एजुकेशन में पहली बार इंसर्ट कीजिए ह्यूमन राइट्स को, नहीं, इंक्लूड कीजिए, नहीं, क्योंकि बचपन से आपको ये भाव डेवलप करना है। तो आपको बताना होगा कि सभी मनुष्य समान हैं, उनको सभी की इज्जत करनी है, उनको सम्मान देना है, किसी के संग कुछ बुरा नहीं करना है, तो ये आपको बचपन से ही सिखाना होगा। और इसमें क्या सिखाएंगे आप, सोशल स्किल्स ऑफ कोऑपरेशन सिखाएंगे, रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ एंड अदर्स, अपने और दूसरों का सम्मान करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आर एम्फेटिकली अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन राइट्स एजुकेशन। तो ये सब कुछ मानव अधिकारों की शिक्षा के अंतर्गत आता है और ये हमको मोस्ट फॉर्मेटिव पीरियड ऑफ लाइफ में ही सिखाना है, जब एकदम बच्चा बन रहा है, उसका चरित्र का निर्माण हो रहा है, जब वो एकदम नया सब नई नई चीजें जान रहा है। तो आप बताइए, ह्यूमन राइट्स हैं और ह्यूमन राइट्स को सिक्योर करना है जिस एजुकेशन का काम है वो ह्यूमन राइट्स एजुकेशन है ना। फिर गोल्स ऑफ ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, जो हमारा HRE है ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, उसके लक्ष्य क्या है, हम चाहते क्या है। द फर्स्ट वर्ड्स ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रोक्लेम दैट रिकॉग्निशन ऑफ द इनहेरेंट डिग्निटी एंड ऑफ द इक्वल एंड इनएलियनेबल राइट्स ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द ह्यूमन फैमिली इज द फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम जस्टिस एंड पीस इन द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं कि UDHR ने कहा कि रिकॉग्निशन ऑफ द इनहेरेंट डिग्निटी, जो हमारे अंदर डिग्निटी है, हमारा जो आप कह सकते हैं कि सम्मान है, जो इनहेरेंट, जो हमारे अंदर निहित है, और इक्वल एंड इनएलियनेबल राइट्स ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द ह्यूमन फैमिली, यानी कि मनुष्य पूरा, जितने भी इस भूमंडल पर मनुष्य है उन सभी का ये, के लिए ये बराबर है और इनएलियन मतलब अपरिहार्य है, आप इसको मना नहीं कर सकते हैं, इज द फाउंड, यही फाउंडेशन है, नींव है किसकी, कि संसार में स्वतंत्र हों सभी लोग, सभी को न्याय मिले और शांति मिले। Effective human rights education has two essential objectives. वो कह रहे हैं कि HRE के दो मुख्य objectives हैं। पहला है learning about human rights और दूसरा है learning for human rights. यानी कि मानवाधिकारों के बारे में सीखना और मानवाधिकारों के लिए सीखना। तो मानवाधिकारों के बारे में सीखना के बारे में मतलब आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली है क्या ये। लर्निंग अबाउट ह्यूमन राइट्स इज लार्जली कॉग्निटिव, इसमें आपको ज्ञान मिलेगा ना, इंक्लूडिंग ह्यूमन राइट्स हिस्ट्री, मानवाधिकारों का इतिहास क्या रहा है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है उससे रिलेटेड, कैसे आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे। ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोविजन, समाज के प्रत्येक सेगमेंट को ये पता होना चाहिए मानवाधिकार क्या होते हैं। और ये कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट शुड बी द फोर्थ आर, हम लोग जब शिक्षा पढ़ते हैं तो जानते हैं ना कि लर्निंग एजुकेशन इज द लर्निंग ऑफ 3 R, कौन कौन से 3 R होते हैं, वो रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक। ये कह रहे हैं कि चौथा आर जोड़ दीजिए जो कि ह्यूमन राइट्स का हो, तब जाके शिक्षा संपूर्ण होगी। ह्यूमन राइट शुड बी द फोर्थ आर, अ फंडामेंटल ऑफ एवरीवन एसेंशियल एजुकेशन अलॉन्ग विद रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक, है ना। और लर्निंग फॉर ह्यूमन राइट्स क्या है, कि एजुकेशन फॉर ह्यूमन राइट्स मींस अंडरस्टैंडिंग एंड एम्ब्रेसिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन इक्वालिटी एंड डिग्निटी एंड द कमिटमेंट टू रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ऑल पीपल। कह रहे हैं कि
जो लर्निंग अबाउट ह्यूमन राइट्स है वो कॉग्निटिव लेवल पे है और लर्निंग फॉर ह्यूमन राइट्स वो एफेक्टिव लेवल पे, जहां आप समझेंगे, इम्ब्रेस करेंगे प्रिंसिपल्स को, उसको अपनाएंगे ह्यूमन इक्वालिटी और डिग्निटी के प्रिंसिपल को, और कमिटमेंट टू रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ऑल पीपल, हम ये कमिट करेंगे कि हम सभी व्यक्तियों के सम्मान की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे. इट हैज लिटिल टू डू विद वॉट वी नो. द टेस्ट फॉर दिस काइंड ऑफ लर्निंग इज हाउ वी एक्ट. यानी कि लर्निंग अबाउट ह्यूमन राइट्स में आप जानिए कि ह्यूमन राइट्स क्या हैं, और लर्निंग फॉर ह्यूमन राइट्स में आप करिए जो आपने सीखा है ना. व्हाई ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, जरूरत क्या है ह्यूमन राइट्स एजुकेशन की, ये क्या क्या कर सकता है, ये हमारे मूल्यों में और एटीट्यूड में परिवर्तन कर सकता है, हमारे बिहेवियर में कर सकता नहीं, करेगा, करता है, व्यवहार में परिवर्तन करता है, ये सोशल जस्टिस के लिए एम्पावरमेंट प्रोड्यूस करता है, डेवलप एटीट्यूड्स ऑफ सॉलिडैरिटी अक्रॉस इश्यूज कम्युनिटीज एंड नेशंस, राष्ट्रों समुदायों के बीच में जो इश्यूज हैं उनको ये सॉलिडैरिटी उसमें प्रदान करता है, हमको ज्ञान और एनालिटिकल स्किल विकसित करता है हमारे अंदर, और पार्टिसिपेटरी एजुकेशन को इनकरेज करता है, मतलब मिलजुल कर सीखना. और डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, देखिए ये कह रहे हैं एचआरई के तीन डायमेंशन है, कौन कौन से, इथिकल, आपका लीगल और कंटेक्चुअल. इथिकल क्या है, मॉरल, मतलब व्हाट शुड डू एंड व्हाट शुड नॉट टू डू. तो इथिकल टेरेन ऑफ ह्यूमन काइंड लाइज इन इट्स सेंसिटिविटीज एंड सेंसिबिलिटीज विच आर रूटेड इन द मॉरल पोटेंशियल, मतलब नैतिकता सिखाता है ना हमको कि संसार कैसे एक बेहतर जगह बन सकती है. तो जो यूडीएचआर 1948 में डिक्लेयर किया गया वो मॉरल डायमेंशन पे ही बेस्ड था, क्योंकि सभी मनुष्य समान हैं, सभी इक्वल हैं, सभी को आप रेस्पेक्ट दीजिए, उनका बर्थ राइट है, ये सारी बातें. जो सेकंड डायमेंशन एचआरई का है वो लीगल है, मतलब कि आप कॉन्स्टिट्यूशन से गारंटी मिल जाए कि हाँ आप मना नहीं करेंगे किसी को, नहीं तो आपको ये दिक्कत होगी, ये कष्ट होगा, ये विरुद्ध धारा लगेगी आपकी, ये सारी बातें. और जो तीसरा है वो कंटेक्चुअल है, कि कॉन्क्रीट चेंजिंग कंटेक्स्ट एंड द ग्रोइंग कंसर्न्स ऑन हाउ द नेशन स्टेट्स आर रिस्पॉन्डिंग टू दीज न्यू चैलेंजेस एंड डिवाइजिंग द फॉर्म्स थ्रू विच पीपल कैन एक्सप्रेस देयर एंगर एंड एंग्विश बट नॉट नेसेसरीली थ्रू वॉयलेंट आउटबर्स्ट. मतलब वो कह रहे हैं ना कंटेक्स्ट के हिसाब से थोड़ा बहुत बदल भी जाएगा कि किस कंटेक्स्ट में क्या बात हो रही है, तो कंटेक्चुअल भी इसका डायमेंशन हमको देखना पड़ेगा. तो ह्यूमन राइट्स एजुकेशन की ये तीन डायमेंशन है, मॉरल, लीगल एंड कंटेक्चुअल. आई थिंक ना अच्छा एक लास्ट, यूजीसी ने क्या कहा है ह्यूमन राइट्स एजुकेशन पे, 1985 में यूजीसी ने प्रिपेयर की गाइडलाइन ह्यूमन राइट्स टीचिंग एंड रिसर्च एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन. देयर वाज अ स्लाइट शिफ्ट इन एम्फेसिस ड्यूरिंग द लेट 90s व्हेन वैल्यूज एंड ड्यूटीज वर एडेड एज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स एजुकेशन. यानी कि मूल्य और आपके कर्तव्य जोड़े गए, और 11th प्लान जो 2007 से 12 में चला था उसमें यूजीसी ने एचआरई को एक थ्रस्ट दिया कि बहुत सारा काम कीजिए, फंडिंग कीजिए, रिसर्च कीजिए, प्रोजेक्ट कीजिए एचआरई पे. ठीक है, मतलब 1995 से 2004 तक वो डिकेड रहा, उसके बाद यूजीसी ने भी 11th प्लान के में उसको अप थ्रस्ट दे दिया. तो ये है पूरा ह्यूमन राइट्स एजुकेशन का ताना बाना. पहले तो जानिए ह्यूमन राइट्स क्या हैं, इंटरनेशनल लॉज क्या हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन क्या है, उसके गोल्स क्या हैं, लर्निंग फॉर ह्यूमन राइट्स, लर्निंग अबाउट ह्यूमन राइट्स, और उसके कॉम्पोनेंट्स क्या हैं, डायमेंशंस क्या हैं, बहुत कुछ है जानने के लिए. फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं सारा हिस्सा एटलीस्ट सुपरफिशियली कवर कर दूं, ताकि आप बात चाहें तो बाद में इस पर एलिबरेट कर सकते हैं. तो एक बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए इट इज मोर देन सफिशियंट. ओके, सो आई हैव कवर्ड द टॉपिक ऑफ ह्यूमन राइट्स एजुकेशन. थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. आई हैव डन फ्रॉम माई साइड.